नथिंग फोन 2A वर्सेस वीवो V20। तो गाइज आज मैं कहने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोज मैंने क्लिक की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे वेट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास नथिंग फोन 2A वर्सेस वीवो V20। तो गाइस बात करते हुए नथिंग फोन 2A की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 50 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हुए वीवो V20 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हुए दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको नथिंग फोन 2A के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और किस बात करते हैं पे वीवो V20 की, तो यहाँ पे आपको 44 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज और वीडियोज क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी वीवो V20 और इसी नथिंग फोन 2A के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे मैंने इसी नथिंग फोन 2A और इसी वीवो V20 के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे आज तक भी वीवो V20 का कैमरा क्वालिटी ही अच्छी लगती है। अगर आपके पास ऑलरेडी वीवो V20 है और अच्छे से चल रहा है, 5G की ज़रूरत नहीं है, तो आप यूज़ कीजिए उस फोन को, बहुत ही अच्छा कैमरा क्वालिटी है, हैंग भी नहीं होता है
और नथिंग फोन 2A कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन जिनको अपग्रेड करना है कर सकते हो, उसका कैमरा क्वालिटी भी कुछ ख़राब नहीं है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका फ़ोन वीवो V20 अच्छे से वर्क कर रहा है तो। तो यू गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मैंने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।